हाइड्रोजन उपरे फोकस करछि अदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अदानी ग्रुप रो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को कहिबा अनुसार इसो सिस्टम रो सब वर्ग रे भलो प्रगति चल रही जहाँफल कंपनी भलो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पाई इसो सिस्टम प्रस्तुत करछि। अदानी एंटरप्राइजेस रो एनर्जी और यूटिलिटी कंपनी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड कम खर्चे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन पाई संपूर्ण भाव इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम निर्माण करछि। ग्रुप रो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को मतरे ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को अदानी एंटरप्राइजेस रो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं यूटिलिटी पोर्टफोलियो अधीन रे विकास करा जाउछि जहाँ को मोटामोटी भाव तीन टी वर्ग में भाग करा जाइछि। सेगुड़ी कहला इलेक्ट्रोलाइजर्स सोलार मैन्युफैक्चरिंग एवं विंड टर्बाइन जनरेटर। इलेक्ट्रोलाइजर्स इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन पर कंपनी को 198.5 मेगावाट लेटर ऑफ अवार्ड मिली। इलेक्ट्रोलाइजर्स है एक गुरुत्वपूर्ण ज्ञान कौशल जो थे विद्युत व्यवहार द्वारा पानी रु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को अलग कर रिन्यूएबल तथा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी ठारु कम प्रदूषण युक्त हाइड्रोजन उत्पादन लगी गुरुत्वपूर्ण होता है। कंपनी सीआरटी डिजाइन आधारित 25 किलोवाट क्षमता विशिष्ट प्रोटोटाइप एवं हाइड्रिप डिजाइन उपर आधारित 85 किलोवाट प्रोटोटाइप निर्माण होछि। सोलार मैन्युफैक्चरिंग सोलार मैन्युफैक्चरिंग वर्ग में कंपनी 4 गीगावाट सेल एवं मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विकसित करने को योजना रही है। यह छड़ा कंपनी 2 गीगावाट मैनोक्रिस्टलाइन इनगट एवं वाफर प्लांट मध्य आरंभ कर। कंपनी पक्षर कहुई जे अदानी एंटरप्राइजेस वर्तमान समय पीवी सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में इनस्टल होता क्षमता हिसाब से मार्केट सेयार 53% रही। विंड टर्बाइन जेनरेटर्स अदानी न्यू इंडस्ट्रीज 5.2 मेगावाट टर्बाइन वर्तमान मैन्युफैक्चरिंग क्षमता 1.5 गीगावाट रही। कंपनी को भिन्न एक प्रोटोटाइप सर्टिफिकेशन मिली। वर्तमान समय यार बुकिंग 254 विंड टर्बाइन जनरेटर सेट ऑर्डर रही। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।